Modi, yeah. India. Yeah, mm -hmm. he's a friend of mine. It's great. Before him, they had uh, they were replacing him every year. Yeah, it was yeah. very unstable. Mm -hmm. He came along. He's, in a of he's he's great. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. Because mm. I asked him. Yeah. Uh, we're talking. I did. They did a thing called. Howdy Modi in Houston, Texas, oh, right? yeah, yeah. and they filled up the <laughs> stadium. It was me and him. Yeah. We, we filled up the stadium. It was beautiful. Uh, like eighty thousand people was going crazy. And we're walking around today. Maybe I wouldn't be. As, uh, maybe you wouldn't do that. Yeah. But we're walking, We're walking in the middle, <laughs> waving to everybody. Anyway, but we have a very good relationship. He's the nicest human being. हेलो नमस्ते बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं न्यूज़ एटीन का डिजिटल प्लेटफॉर्म मैं हूं आपके साथ ऋतु सहयोगी ललित भी जुड़े हुए हैं चर्चा करेंगे आज का मुद्दा है मोदी मोदी की तारीफ मोदी की तारीफ़ में कसीदे पड़े गए हैं किसने पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्यों क्योंकि प्रचार प्रसार अभी तो चल रहा है अमेरिका में चुनाव सर पर है नवम्बर में चुनाव है और प्रचार प्रसार के बीच मोदी की तारीफ आखिर क्यों क्या मायने हैं ललित बड़ी गहरी बात है दरअसल आपने जो चुनाव के प्रचार से जोड़ा है आज वो दरअसल एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कहा है वो आज चर्चाओं में रहा आ, मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी वो मेरे मित्र हैं सबसे अच्छे सबसे अच्छे इंसान भी हैं प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पहले भारत बहुत अस्थिर था मैं पढ़कर इसलिए बता रहा हूँ वर्ड टू वर्ड आप समझ जाए और बाहर से वो आपके पिता की तरह दिखते हैं वो सबसे अच्छे हैं इसी दौरान उन्होंने हाउडी मोदी को भी याद कर लिया हाउडी मोदी जो था ये दो के आसपास हुआ था अस्सी हजार लोगों की भीड़ थी उन्होंने ये कहा भी तब ट्रम्प ने ये कहा भी कि भाई इस तरह का कार्यक्रम अस्सी हजार लोगों का क्राउड और इतना पागलपन देखने हाँ। को मिला है तब बहुत सारे नारे भी लगे थे जो यहाँ आकर चर्चा में आए लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से उनकी ग्लोबल लीडरशिप एक तरह से आप समझिए कि हाँ। ये मजबूरी जैसी है और उसके पहले 2019 का एक और घटनाक्रम मुझे याद आता है कि जब वो गुजरात पहुंचे थे नमस्ते ट्रम्प आई थिंक उस कार्यक्रम का नाम था तब एक लाख से ज्यादा की भीड़ वहां पर थी और कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का देश के बाहर इस तरह का ये पहला आयोजन था तो निसंदेह इसमें यह नहीं है कि सिर्फ रिश्ता है या दोस्ती है या मोहब्बत है लेकिन हाँ मोदी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई है और उसकी कई सारी वजह है केमिस्ट्री तो हम उनकी हमेशा से देखते आए हैं और हमेशा ये पहली बार बार नहीं है और चूंकि ग्लोबल लीडर हैं नरेंद्र मोदी उनकी हर जगह तारीफ होती है डोनाल्ड ट्रंप पहली बार नहीं कर रहे हैं कई बार तारीफ कर भी चुके हैं पर ये केमिस्ट्री है सिर्फ या मैथमेटिक्स भी इसके पीछे कोई गणित भी है ललित केमिस्ट्री तो खैर हमने अभी जिक्र किया ना कि केमिस्ट्री तो है दोनों एक दूसरे को दोस्त बता दे देते हैं अभी क्वाड सम्मेलन uh, के दौरान भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हालांकि उन्होंने कहा था मैं मिलूंगा मुलाकात नहीं हो पाई केमिस्ट्री uh, uh, की बात तो यहाँ तक है मैथ्स की बड़ी दिलचस्प मैं आपको बताऊँ उसके कुछ आंकड़े हैं फिफ्टी uh, परसेंट जो वोट हैं वो श्वेतों के हैं और अश्वेत के हैं तैंतीस जिसको हम वीटिज भी जिसको हम कहते हैं उसमें अश्वेत में बहुत सारे तबके आते हैं हाँ. और इनका वोटिंग परसेंटेज है तैंतीस उसमें से भी अगर 2023 का आंकड़ा देखें तो इंडियंस की आबादी है तकरीबन 50 लाख हाँ. लेकिन हुआ ये ना कि 50 लाख की आबादी के साथ ये जो इंडियन वोट बैंक है ये प्रभावशाली बहुत है और जनरली ये माना जाता है कि ये डेमोक्रेट का वोट है मतलब कमला हैरिस का अब गणित किसने बिगाड़ दिया गणित बिगाड़ दिया कमला हैरिस जैसे ही कमला हैरिस के नाम का ऐलान हुआ।, हुआ तो फिर वहां डायवर्शन आने लगा हालांकि एक संधुजा है वो वहां पे एक हिंदू संगठन कुछ चलाते हैं मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा उन्होंने कहा कि नहीं हम हम हैरिस के साथ नहीं है हम ट्रंप के साथ जाएंगे ट्रंप उसमें भी सेन लगाना चाहते हैं जनरली डेमोक्रेटिक की तरफ इंडियंस का झुकाव होता है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी चीजें बदली हैं जब वो वहां जाते हैं तो लोगों की जो दीवानगी है जो पागलपन है वो नजर आता है तो हर कोई उस 50 लाख प्रभावशाली भीड़ वो भीड़ 50 लाख की है भारतीयों की पर उस पे हर कोई एक तरह से कब्जा जमाना चाहता पर है पर तो ये भी माने क्या ललित संकट आ चुका है कि हैरिस की तरफ हैरिस के लिए प्रचार <laughs> किया जाए या ट्रंप के लिए किया जाए दरअसल यही है आपने जब मैथ्स बोला <laughs> और आपने हंसा तभी मैं समझ गया था बात दरअसल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी तो नो डाउट बातें करते हैं <laughs> आ, आ, आप ये देखिएगा कमला हैरिस बहुत खुलकर नहीं बोल रही हैं हां लेकिन ट्रम्प खुलकर ये बात बोल रहे हैं दूसरा कि ये बिल्कुल ट्रम्प या मोदी का रिश्ता आज का नहीं है इसमें और भी पुरानी चीजें हैं तो प्रधानमंत्री इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि भारत की जो जो पॉलिसी है विदेशों को लेकर विदेश नीति को लेकर और वो भी तब जबकि दोनों एक तरफ दोस्त है और दूसरी तरफ जो है वो इंडियन मूल की हालांकि हा। मैं एक बात बता दूं आप कितने ही कहते रहिए ये भारतीय मूल के हैं ये ऐसे हैं ये वैसे हैं वो जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट बनेंगे कोई भी बने चाहे ट्रम्प बने या कमला हैरिस बने अमेरिका फर्स्ट की उनकी पॉलिसी होती है तब वो ये सब भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं लेकिन ट्रम्प जो बार बार मोदी की बात कर रहे हैं वो इस वजह से कि वो उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं जो जनरली माना जाता है कि वो डेमोक्रेट्स का है ट्रंप रिपब्लिकन की तरफ से वो उस वोट बैंक को खींचना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जवाब इसलिए भी दिलचस्प होगा Uh, क्योंकि वो बहुत सोच समझकर जवाब देंगे हाँ. uh, दिक्कत यह है कि वो जो भी बोलेंगे हां उसे अब एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखा जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो पेता समान तो है ही सभी के लिए पर सख्त तो बहुत है ये बात भी उनके द्वारा कही गई है हाँ, वो इसमें एक तारीफ एक, है एक 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 बयान मुझे याद आ रहा है उन्होंने कहा था कि आ, किसी देश के लिए पाकिस्तान के लिए ही कि हा, मैं हा, बात करता हूँ ना तो उन्होंने कहा था नहीं मैं करूंगा नहीं मैं करूंगा दो बार यही जवाब था उनका और उसी पर उन्होंने ये बयान दिया कि पिता समान तो है पर सख्त भी बहुत है हाँ ये ये तय है प्रधानमंत्री इस बात को बहुत ध्यान रखते हैं कि हाँ उनके भाई इतना हमको जज्बाती होना इतनी हमें बातें करनी हाँ। इतनी हमें बातें करनी बट जैसे ही आप हमारे इंटरनल मैटर्स पे बात करना शुरू करेंगे तो प्रधानमंत्री दो टूक बोल देते कि नहीं नहीं वो हमारा इंटरनल मामला हाँ। है उसको हम तक संभालते आए इतने समय से संभाल रहे हैं हम संभालें सैकड़ों सालों का मामला है तो उसे हम संभाल लेंगे और यही वजह रही जिस घटना का आप जिक्र कर रही है कि जब वो बार बार ट्रम्प की तरफ से पेशकश की गई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो हम संभाल लेंगे नहीं जब फेवर की जरूरत पड़ेगी तब तब, तब की अलग बात है पर हाँ। जब अपने एंड से सब कुछ हो सकता है तो यही मैसेज है कि नहीं हम अपने एंड से निपट लेंगे जब इतनी बड़ी बड़ी दुविधाओं में हम निपट चुके हैं तो हम कैसे एक बात और है यहाँ पर तारीफ तो की है एक और तारीफ उन्होंने की है कि जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी उससे पहले वैसा विकास वैसी स्थिति हमने इंडिया की नहीं देखी थी जब से ये गद्दी संभाली है नरेंद्र मोदी ने तब से मतलब तस्वीर ही इंडिया की बदल चुकी है हाँ वो मैंने कहा ना कि वो इसी वजह से वो बहुत सधे हुए शब्दों में ट्रंप ये तमाम बातें कह रहे हैं और जाहिर तौर पर देखिए बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं इसमें आप नहीं कह सकती आप सिर्फ इंडिया की बात हम लोग कर रहे हैं लेकिन उससे थोड़ा और ग्लोबल परस्पेक्टिव में आप देखें तो आप देखिए सोलह से ज्यादा सम्मान तो अभी तक मैं गिन चुका हूं अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रंप हुँ। ट्रंप सपोर्ट चाहते हैं बाइडन अपने घर में खाना खिला रहे हैं पुतिन अपने घर में खाना खिला रहे हैं पुतिन कह रहे हैं कि इंडिया चीन आ जाए तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे ठीक है इन सब परिस्थितियों के बीच आप देखिए कि ट्रंप क्यों नहीं चाहेंगे हाँ। वो ग्लोबल एक बड़ी वजह ग्लोबल लीडर जो हैं इस इस तरफ वो ज्यादा खींच रहे हैं और यही कारण है कि कहीं आएंगे। जैसे है आप हाँ। बोलेंगे हाँ। ना कहीं आप हाँ। पूरे विश्व समुदाय का ध्यान जाता है अच्छे से जानते तारीफ तो हो गई पर अब महत्वपूर्ण रखेगी प्रतिक्रिया इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा फिलहाल आज के लिए हमारे साथ इतना ही नमस्कार नमस्कार